not easy to finish me. Many tried and failed. देवेंद्र फडणवीस। तो ये है आज की हेडिंग जो इंडियन एक्सप्रेस में 23 सितंबर फ्राइडे 2022 रात के 1 बजे पब्लिश हुई थी। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा जो आपकी स्क्रीन पे, फडणवीस वर्ड सेड इन ए मीडिया इंटरेक्शन इन नागपुर। फडणवीस ने कहे जो मीडिया पर्सन के सामने अपना एक असर डालने के लिए नागपुर में वर इन एन अपेरेंट रिस्पॉन्स टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे प्रिडिक्शन दैट द नेक्स्ट इलेक्शन विल ऑल्सो मार द लास्ट वंस फॉर फडणवीस इम्प्लाइंग दैट द बीजेपी सेट टू लूज द पोल्स। तो जैसा कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कहे अपना एक प्रेडिक्शन दिए कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा महाराष्ट्र में तो वो लास्ट वन होगा फडणवीस का, इम्प्लाइंग मतलब दैट द बीजेपी सेट टू लूज द पोल्स। और ये कहना है उद्धव बाला साहब ठाकरे का कि बीजेपी आने वाले इलेक्शन जो महाराष्ट्र में होंगे उससे हार जाएंगे। आपके स्क्रीन पे अनाउंसिंग दैट ही स्टिल हैज लॉन्ग पॉलिटिकल इनिंग्स अहेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस सेड ऑन थर्सडे इवन इफ समबडी विशेस टू एंड माई कैरियर इट इज नॉट गोइंग टू हैपन आई एम हेयर टू स्टे। तो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र वो भी ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि लास्ट थर्सडे इवन इफ समबडी विशेस टू एंड माई कैरियर, अगर कोई चाहता है उसकी ख्वाहिश है कि मेरा कैरियर ख़त्म हो जाए तो कह रहे इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं हो सकता, आई एम हेयर टू स्टे, मैं यहाँ पर हूँ रहने के लिए। आपके स्क्रीन पे एट अ सेना रैली इन गोरेगांव अ डे अगो ठाकरे हैड डेड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड फडणवीस टू होल्ड इलेक्शन विद इन अ मंथ। तो यहाँ पे जो गोरेगांव में बुध के दिन जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की रैली हुई थी उसमें उन्होंने ओपन चैलेंज किए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप में हिम्मत है तो 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र में इलेक्शन करके दिखाइए। इसके रिस्पांस में विदाउट डायरेक्टली नेमिंग एनीवन फडणवीस सेड मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस भी शायर बन गए मगर उन्होंने दूसरे की शायरी में ऑल्ट्रेशन किए, असल में शायरी है मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मंजूर खुदा की जगह ये कह दिए वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। आपके स्क्रीन पे द बीजेपी लीडर वॉज क्विक टू पॉइंट आउट दैट अटेम्प्ट्स वर मेड इन द पास्ट टू टू थ्रवर्ट हिज पॉलिटिकल ग्रोथ। देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरीके की तनकीदें हुई है देवेंद्र फडणवीस पे, जो उनका पॉलिटिकल कैरियर ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए इन 2019 असेंबली इलेक्शन डे उद्धव ठाकरे एंड शिवसेना यूज पिक्चर्स ऑफ नरेंद्र मोदी टू विन द इलेक्शन। देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि 2019 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में, जो बीजेपी और शिवसेना साथ में मिलकर लड़ी थी, तो उस वक्त उद्धव बाला साहब ठाकरे और शिवसेना नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया उसका फोटो यूज कर रही थी, बट पोस्ट इलेक्शन दे फॉर्म एन अलायंस विद द कांग्रेस एंड द एनसीपी बिटवीन द बीजेपी। आगे फरमा रहे कि इलेक्शन के बाद उन्होंने फॉर्म की अलायंस महाविकास आघाड़ी की शक्ल में महाराष्ट्र में अपनी हुकूमत बनाई एनसीपी और कांग्रेस के सपोर्ट में, बिटरिंग द बीजेपी यानी एक तरीके से बीजेपी के साथ गद्दारी की। इन देयर 2.5 ईयर रूल महाविकास आघाड़ी लेड बाय
Then Shri Uddhav Thackeray did everything possible to scuttle, बिखरने के लिए my political career, but they failed. देवेंद्र फडणवीस जी इल्जाम लगा रहे उद्धव बाला साहब ठाकरे पे कि ढाई साल की जो हुकूमत महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में थी, उन्होंने हर पॉसिबल टू स्कटल, हर पॉसिबल हुरबे इस्तेमाल करे टू स्कटल बिखरने के लिए देवेंद्र फडणवीस का पॉलिटिकल करियर, बट दे फेल, मगर वो लोग नाकाम हो गए. न्यूज़पेपर के आखिर में बताया गया कि अर्लियर स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट चंद्रशेखर भवन कुले मेड अ स्केथिंग अटैक अगेंस्ट ठाकरे फॉर प्रेडिक्टिंग द एंड ऑफ फडणवीस पॉलिटिकल कैरियर. तो बीजेपी के जो महाराष्ट्र स्टेट के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर भवन कुले, उन्होंने सख्त लहजे में स्केटिंग, सख्त लहजे में अटैक किए अगेंस्ट उद्धव बाला साहब ठाकरे फॉर प्रेडिक्टिंग द एंड ऑफ फडणवीस पॉलिटिकल करियर. जैसा कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कहे कि देवेंद्र फडणवीस का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा. आगे बीजेपी प्रेसिडेंट ने कहे, ही सेड ठाकरे हैज ऑलवेज कन्फाइंड महदूद हिमसेल्फ टू हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ. उन्होंने कहे कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो थे हमेशा कन्फाइंड महदूद थे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए. Someone who has never bothered about his own party worker and leader should stop worrying about the BJP and Fadnavis. वो और सलाह दे रहे कि जैसा कि उनका इल्ज़ाम है उद्धव बाला साहब ठाकरे हमेशा अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए महदूद थे, तो उन्होंने कहे कि आप अपने पार्टी वर्कर और लीडर के बारे में सोचिए और हमारे लिए बीजेपी और फडणवीस के लिए फिक्र करना छोड़ दीजिए. ठाकरे शुड लुक एट हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन. और उद्धव बाला साहब ठाकरे को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सोचना चाहिए. एंड में कह रहे ऑलरेडी 40 MLAs हैव क्विट, द वंस लेफ्ट विल ऑल्सो लीव हिम सून. तो उन्होंने ओपन चैलेंज कर दिया उद्धव बाला साहब ठाकरे को कि जैसे आपके 40 MLAs आपका साथ छोड़ के चले गए, जो बच्चे हैं वो भी जल्द उनका साथ छोड़ देंगे. न्यूज़पेपर की न्यूज़ के मुताबिक तो अभी हमें यही खदशा हो रहा है कि ये जो बाकी के जो दो ढाई साल बचे हैं महाराष्ट्र स्टेट में, जो अभी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की हुकूमत चला रही है, तो हमें पूरी तरीके से इत्मीनान है कि बाकी के दिन भी ये डायलॉगबाजी में कट जाएंगे और इनकी प्रेजेंस में शायद ही महाराष्ट्र स्टेट में कोई प्रोग्रेस न्यूज़ मिल सके. खुदा Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.